नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बड़ा ही मजेदार होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेडी स्थित हेल्थ केयर आईपीओ का क्या लेटेस्ट गर्मर का प्रीमियम चल रहा है और यदि आप इसमें अप्लाई किए हुए हैं तो आपको कितने की प्रॉफिट देखने को मिल सकती है और दोस्तों कौन सा साइट रहने वाला है जहाँ आपको आपका अलॉटमेंट रजिस्टर देखने को मिलेगा और इसका आईपीओ का रजिस्ट्रार कौन है और आपको बीएससी की साइट से कैसे इसको चेक कर सकती है और क्या क्या आपको डाटा चाहिए और इसका जो आपका अलॉटमेंट कब तक आता हुआ दिखेगा, इन सारी चीज़ों को बड़े विस्तार इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यदि आप इसमें अप्लाई किए हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करेंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको मेडी स्थित हेल्थ केयर आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस कैसे चेक करना है और कहाँ चेक करना है और इसका आईपीओ का रजिस्ट्रार क्या रहने वाला है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आईपीओ का जो अलॉटमेंट स्टेटस है आपको बताने से पहले आपको ये बता दें कि कुछ ऐसा चीज़ है जो आपको इसमें नज़र रखनी चाहिए। तो दोस्तों बात करें इसका जो इंपॉर्टेंट डेट्स और आपका इंपॉर्टेंट डिटेल्स इस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें इसका जो आईपीओ का रिगार्डिंग देख सकते हैं जो आईपीओ आपको 15 जनवरी से ओपन होता हुआ दिखा था और आपको 17 जनवरी इसकी क्लोजिंग होती हुई दिख रही है। तो दोस्तों आप यदि आपने इसमें अप्लाई किया है तो आपका जो अलॉटमेंट स्टेटस है आपको 18 जनवरी के दिन आता हुआ दिखेगा जो कि आपको बृहस्पतिवार का दिन होने वाला है। और दोस्तों यदि इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन के कारण इसमें अलॉटमेंट देखने को नहीं मिल पाता है तो आपको देखने को मिलेगा कि फ्राइडे जो कि आपका 19 जनवरी है इसी दिन आपको रिफंड आता हुआ दिखेगा। और दोस्तों यदि आपको इसमें अलॉटमेंट हो जाता है तो आपको देख सकते हैं कि आपको 19 जनवरी के दिन ही आपको डीमैट अकाउंट में शेयर को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और दोस्तों इसकी जो लिस्टिंग डेट रहने वाली है आपको 22 जनवरी के दिन होता हुआ दिखेगा जो कि आपको सोमवार का दिन होने वाला है। तो दोस्तों ये तो इसका इंपॉर्टेंट डेट्स होगा जो आपको नज़रें इस पे रखनी चाहिए और आपको इसमें होना भी चाहिए कि इसका इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, क्योंकि आपने तो आईपीओ में अप्लाई कर दिया, अब इसका अलॉटमेंट कब होगा, रिफंड कब आएगा, इसकी लिस्टिंग कब होने वाली आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों ये तो इसका इंपॉर्टेंट डेट्स हो गया। अब चलिए आपको इसका आपको कितने बंदों में से कितने बंदों को अलॉटमेंट होता हुआ दिख रहा है ये भी आपको इसमें नज़र एक बार डाल लेते हैं। तो चलिए इसके आप सब्सक्रिप्शन डाटा पर एक बार नज़र डालते हैं। तो दोस्तों इसके सब्सक्रिप्शन डाटा पे जब नज़र डालते हैं आप देख सकते हैं कि इसका जो आईपीओ आपको जब मैं आपका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम आपको देखने को मिल रहा है कि 4.09 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों अभी तक का जो आंकड़ा है आप देख सकते हैं कि इसमें आपका एंकर इन्वेस्टर ने आपको एक सब्सक्राइब किया है जिसमें आपको 351 करोड़ का इन्होंने आपका एप्लीकेशन पुटअप किया है। और दोस्तों देख सकते हैं कि जैसे मैं आपको क्यूआईबी की तरफ से 5.6 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है जो कि आपको 1312 करोड़ का इसमें एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है। और दोस्तों बात करें यदि इसमें आपका HNI की तरफ से तो देख सकते हैं कि 5.75 टाइम्स और जिसमें यदि बात करें इसमें स्मॉल HNI और बिग HNI तो आप देख सकते हैं कि 6.25 और आपका 4.74 सब्सक्राइब होता हुआ टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। और दोस्तों यदि बात करें रिटेल की तो आप देख सकते हैं कि इसमें 2.5 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। तो दोस्तों यदि आप इसमें अप्लाई तो करते हैं तो आपको इसमें जो मिलने का जो चांसेस है काफ़ी आपको ज़्यादा दिख रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि प्रत्येक 203 बंदों में से एक बंदों को आपको इसमें अलॉटमेंट होता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों ये तो इसका इंपॉर्टेंस आपको सब्सक्रिप्शन डाटा हो कितने बंदों में से कितने बंदों को दिखता हुआ दिखेगा। अब चलिए दोस्तों इसका जो GMP है उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं कि यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कितने की प्रॉफिट देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों ये तो इसका डाटा हो गया, अब इसके एक बार GMP पर नज़र डाल लेते हैं कि आपको कितने की प्रॉफिट देखने को मिल सकती है GMP के अनुसार और उसका GMP क्या बता रहा है। तो दोस्तों बात करें मेडी स्थित हेल्थ केयर आईपीओ को GMP के रिगार्डिंग देख सकते हैं इसका जो GMP आपको 22 रुपये पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और इस आईपीओ का जो अपर प्राइस बैंड है 418 रुपये का है, दोनों को ऐड करने के बाद 440 रुपये निकल के आता है। इन परसेंटेज गेन की बात की जाए तो 5 से 6% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आप इस चैनल पर वीडियो में बने रहें और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों बात करें इसके GMP के रिगार्डिंग तो इसका GMP ने 81 रुपीज़ का हाई लगाता हुआ दिखा है, वहीं इसके लोवे GMP की बात करें तो इसने आपका 0 रुपीज़ का लो भी लगाता हुआ दिखा है। तो दोस्तों आप इस चैनल पर वीडियो में बने रहें और दोस्तों अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो और आपका इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द देखने को मिलता रहे। तो दोस्तों ये तो इसका इंपॉर्टेंट आपका GMP होगा कि आपको कितने की प्रॉफिट देखने को मिल रही है। अब चलिए दोस्तों अब इसके रजिस्ट्रार के साइट पे लेके चलेंगे और आप दोस्तों आपको ये बता दें कि आप BSC के साइट से भी इसका एप्लीकेशन का जो स्टेटस है आपका देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बारी बारी से दोनों का आपको एप्लीकेशन का जो स्टेटस कहाँ से चेक करना आपको शो करते हैं। और दोस्तों इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे भी जाके अपना चेक कर सकते हैं कि आपको जो आपका अलॉटमेंट स्टेटस है कैसे चेक करना है और कहाँ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं आपका BSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके आ गए हैं। यहाँ आने के बाद आपको दो ऑप्शन शो करेगा, इक्विटी और डेट। तो आपको इसमें इक्विटी पे सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको इसमें कंपनी नेम का ऑप्शन आएगा,
तो आप इसमें अपना कंपनी नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर आपको एप्लीकेशन नंबर और पैन कार्ड नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, तो आप इसमें पैन कार्ड नंबर अपने इसमें फिल कर दीजिए, क्योंकि पैन कार्ड नंबर सबको इजीली अवेलेबल रहता है और सबको इसमें याद भी रहता है। तो दोस्तों ये करने के बाद आपको इसमें आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करिएगा तो आपको इसमें सर्च बटन आ जाएगा। तो चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें एक इक्विटी पे सिलेक्ट कर ली, इक्विटी पे सिलेक्ट करने का पेज आपको एक बार रिफ्रेश होकर आ जाएगा। इसके बाद इसमें कंपनी नेम पे सिलेक्ट करना है, तो आप देख सकते हैं कि आपको इसमें जैसे कि मेडिसिन हेल्थ केयर का इसमें चेक करना है, तो आप इसमें जाइएगा और इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप इसमें पैन कार्ड नंबर फिल करिएगा। इसके बाद पैन कार्ड नंबर फिल करने के बाद आप इसमें आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करिएगा और दोस्तों इसमें सर्च बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों इन इजी स्टेप्स को फॉलो करके आप इजीली अपना अलॉटमेंट सेट देख सकते हैं और अपना पता कर सकते हैं कि आपको इसमें अलॉटमेंट देखने को मिल रहा है या अलॉटमेंट इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों एक तो ये तरीका हो गया। आप चलिए आपको हम इसके रजिस्ट्रार के साइड पर लेकर चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ कैसे आप इसमें अपना अलॉटमेंट का जो स्टेटस है कैसे देख सकते हैं। तो दोस्तों इन इजी स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना इजी अपना अलॉटमेंट सेट चेक कर सकते हैं कि आपको अलॉटमेंट कैसे चेक करना है और अपने पता कर सकते हैं कि आपको अलॉटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये तो हो गया बीएससी के साइड से चेक करना। अब चलिए आपको इसके रजिस्ट्रार के साइड पर लेकर चलते हैं जो कि आपका इसके केस में लिंक इन टाइम है, तो वहाँ से कैसे चेक करना है। तो चलिए आपको लिंक इन टाइम की वेबसाइट पर लेकर चलते हैं।